ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का विद्वान लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक चीज को आविष्कार किया। प्रभु यीशु मसीह को मौत को लेकर उन्होंने कुछ चीज को आविष्कार किया है। उन्होंने जो कुछ भी आविष्कार किया उन सारे चीजों को पहले उन्होंने टेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने उसको आविष्कार किया। चलिए पहले उन सारे चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जिन क्रूस को उठाए थे उन क्रूस का वेट था, वजन था 150 किलोग्राम। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का लंबाई था 15 फीट और उनका चौड़ाई था 8 फीट। प्रभु यीशु मसीह को जिन कांटे में मारा गया था उन कांटा का उनका लंबाई था 8 से 12 इंच और उन कांटे का वाइड था 3 से 4 इंच। प्रभु यीशु मसीह का हाइट था 5 फीट 11 इंच और प्रभु यीशु मसीह का शरीर का वजन था 85 किलोग्राम 85 केजी। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस उठाए थे उसके बाद उन रास्ते में वो 3 बार गिर चुके थे। प्रभु यीशु मसीह 17 घंटा तक वो प्यासे थे। प्रभु यीशु मसीह के शरीर में 5480 घाव था। उन घाव में से 150 खतरनाक घाव था, बड़े बड़े घाव था। और प्रभु यीशु मसीह को 17 पत्थर मारा गया था। प्रभु यीशु मसीह के शरीर से 6 लीटर 500 ग्राम खून बह चुका था। एक मामूली इंसान के शरीर में 6 लीटर 500 ग्राम खून ही रहता है। प्रभु यीशु मसीह के शरीर से 6 लीटर 500 ग्राम का खून बह चुका था। उसका मतलब यही है प्रभु यीशु मसीह ने सारा जगत को उधार के लिए अपना शरीर से शरीर में जितना भी खून था सारे खून उन्होंने बहा दिया पूरी दुनिया को उधार करने के लिए। और 350 सैनिक और 50 घोड़े पर सवार करने वाला सैनिक उन्होंने रास्ते में प्रभु यीशु मसीह को तकलीफ दिए थे। यहूदियों की कैलेंडर के अनुसार प्रभु यीशु मसीह निशान महीना 15 तारीख में उन्होंने उस प्रभु यीशु मसीह का मौत हुआ था। और हमारा भारत की कैलेंडर के अनुसार 30 अप्रैल 7 तारीख में प्रभु यीशु मसीह का देहांत हुआ था, उनका मौत हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जो INRI लिखा हुआ था उसका फुल फॉर्म ये है, यीशुस नाजरन रेक्सो इरोनियस, जीसस द नाजरन किंग ऑफ ज्यूस। इसका मतलब है ये यहूदियों का राजा है। उस जमाने में एक डॉक्टर थे जिसका नाम था लुक। उन्होंने इन सारे बातों को उन्होंने साबित किया था। बाइबल में लुक नाम का एक किताब भी है जिनको लुक खुद लिखा है। बाइबल में जो 4 सुसमाचार है, मत्ती, मार्क, लुका और योहन्ना, उनमें से लुका का भी एक किताब है। उन्होंने ये सारे चीज को साबित किया था। ये सब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आविष्कार किया गया ये ऐसा चीज है जो प्रभु यीशु मसीह के मौत का दिन को साबित करता है और वो है वैज्ञानिक प्रमाण के साथ। इसी के साथ साथ और एक सच्चाई भी छुपा हुआ है जो आज का मेन टॉपिक है। वो क्या है? वो है प्रभु यीशु मसीह का खून, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी जीवित है, आज भी जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह का खून को पाया गया है, आविष्कार किया गया है और आज भी प्रभु यीशु मसीह का जो खून में जीवन है, जान है। ये तो सबसे चकित करने वाला बात है। इसको भी वैज्ञानिक लोगों ने उन्होंने साबित किया है। तो चलिए हम देखें, ये भी हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का खून आज भी जीवित है, ये वैज्ञानिक लोगों ने कैसे साबित किए और ये खून प्रभु यीशु मसीह का ये जो खून उनको कहां से मिला और कैसे मिला, तो चलिए हम डिटेल हम देखेंगे।
और वीडियो को आगे लेने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अगर आप अंग्रेजी भाषा में बाइबल स्टडी करना चाहते हैं तो ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नीचे जाइए मोर की ऑप्शन में क्लिक कीजिए और नीचे जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो अंग्रेजी भाषा में बाइबल स्टडी करने के लिए तो यहाँ क्या क्या सिखाया जाएगा, जैसे कि ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे, न्यू टेस्टामेंट सर्वे, हर्मेनिटिक्स, बाइबल हिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे चीज को यहाँ सिखाया जाएगा, जैसे एक्सपोजिटर टीचिंग, ऐसे बहुत कुछ। इसीलिए अगर आप चाहते हैं बाइबल स्टडी करने के लिए अंग्रेजी भाषा में तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। 1983 सन में रॉन वेट नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट बाइबल को रिसर्च करने के लिए, बाइबल के बारे में रिसर्च करने के लिए उन्होंने इजरायल देश को गए थे। उधर उन्होंने एक टूटा हुआ साइट में जाकर पहुंचे। उधर पहुंचने के बाद उन्होंने एक लेबर को, एक कर्मचारी को उन्होंने पूछा था ये कौन सा जगह है और हम कहां आए। तो उन कर्मचारी ये उत्तर दिया था कि ये पुराना गोलगोता की साइट है। अचानक रॉन वेट ने क्या किया, एक जगह को इशारा किया अपनी उंगली के द्वारा, इशारा करके ये बताया हाँ ये वही जगह है जहाँ प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया था, चला गया था। तो उसके बाद उन्होंने अपने कुछ साथियों को लेकर उन जगह को जाकर पहुंचे। उन जगह का जो मालिक था, जो अधिकारी था, उन अधिकारियों से उन्होंने परमिशन लिया। परमिशन लेने के बाद उन्होंने क्या किया, उन जगह को खुदाई करना शुरू कर दिया। अपने राडार यंत्र के द्वारा उन्होंने भूमि के नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर के पास उन्होंने गए थे। उन्होंने गए वो जब खोद रहे थे तो उनको एक केव जैसा, एक जैसा चीज उनको दिखाई दिया, एक जगह दिखाई दिया। उधर उन्होंने क्या किया, अपने कर्मचारी जो काम कर रहे थे उन सारे कर्मचारी लोगों ने उस केव के अंदर, उन्होंने उस केव के अंदर उन्होंने गए। जब उन्होंने अंदर गए तो उधर उन्होंने एक चीज को दिखा था। तो रॉन वेट उन्होंने क्या किया, वो पूछा था तुमने क्या दिखा। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम उन जगह में परमेश्वर का जो नियम सिंदूक था उनको उन्होंने देखा। उनको पुराना नियम में जो बच्चा का संदूक था उन संदूक को उन्होंने उधर देखा था। रॉन वेट ने उस केप के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। जब वो अपने आंख उठाया देखा तो उनको एक अद्भुत चीज देखने को लिए मिला, देखने के लिए उनको मिला। वो दृश्य क्या था, वो दृश्य को देखने के बाद उधर जो कर्मचारी थे उनको देखने के बाद उन्होंने तुरंत नीचे गिर गए और कर्मचारियों ने उनको तुरंत ऊपर उठाया। रॉन वेट ने उस संदूक को देखा जो कि पुराना नियम का संदूक था, बच्चा का संदूक था। तो उन संदूक के ऊपर उनको क्या मिला, सूखा हुआ कुछ चीज उनको मिला। उस सूखा हुआ चीज को रॉन वेट ने क्या किया, बाहर किया और रिसर्च सेंटर को भेज दिया। और रिसर्च करने के बाद सिर्फ ये पता चला कि ये इंसान का खून ही है जो कि बहुत पुराना होने के कारण सूख गया था। सूखा हुआ खून को देखने के बाद रिसर्च सेंटर का जो प्रमुख थे उन्होंने ये कहा था हम इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकते क्योंकि ये तो सूख गया है, ये बहुत पुराना भी है, इसलिए इनके अंदर जो सेल थे वो जरूर मर गए होंगे, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते थे। लेकिन रॉन वेट ने कहा था प्लीज कृपया करके इन सूखा हुआ
खून का डीएनए टेस्ट कीजिए, डीएनए के बारे में कुछ बताइए। रॉन वेट का ये जो बात, इसको सुनने के बाद उन्होंने उस सूखा हुआ खून को एक सोल्यूशन में रखा था। 24 घंटे के बाद उन्होंने उस सूखा हुआ खून को उन्होंने टेस्ट किया, परीक्षा किया। जब उन्होंने परीक्षा किया तो जांच किया, उनको एक चकित करने वाला एक चीज उनको मिला, सामने आया। उन्होंने रॉन वेट को बुलाकर दो बात उन्होंने बताई। वो क्या है? पहला है, इस सूखा हुआ जो खून है इनका अंदर जो सेल है, वो सेल अब तक मरा नहीं है, वो सेल अब तक जिंदा है, वो अभी भी जिंदा है। और दूसरी बात यह है, दूसरी बात क्या है, वो यही है, इस सूखा हुआ जो खून है वो 2000 साल का आसपास ही है। ये दोनों चीज को छोड़कर और एक चकमा देने वाला चीज सामने आया, वो क्या है, चलिए देखेंगे। वो क्या है? साधारण रूप में एक इंसान के शरीर में, एक मनुष्य के शरीर के डीएनए में 46 क्रोमोसोम रहता है। ये मामूली बात है, ये मामूली इंसान के शरीर में इतना ही क्रोमोसोम रहता है। क्रोमोसोम वो क्या है? सेल में से 46 में से 23 क्रोमोसोम पिता की पिता से और 23 क्रोमोसोम माता से, और कुल मिलाकर 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम होता है। लेकिन इस खून में सिर्फ 24 क्रोमोसोम मिला था। रॉन वेट को ये पता चल गया था कि ये खून प्रभु यीशु मसीह का ही है। क्यों? उनका कारण क्या है? पहला कारण है, ये जो खून था टेस्ट किया गया था वो 2000 साल के आसपास ही है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का मौत को हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह का मौत का तारीख भी, डेट भी 2000 साल के आसपास ही है। इसलिए ये साबित हो गया ये प्रभु यीशु मसीह का खून है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है, ये जो खून का सैंपल गोलगोथा पहाड़ की पास में मिला था। हम सबको पता है और बाइबल में भी लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह का मौत गोलगोथा पहाड़ की ऊपर ही हुआ था। और तीसरा है, उस सूखा हुआ जो खून है उनमें से 24 क्रोमोसोम मिला था। लेकिन अगर हम देखा जाए तो एक साधारण इंसान की डीएनए में 46 क्रोमोसोम रहता है, 23 क्रोमोसोम, 24 क्रोमोसोम, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जो क्रोमोसोम था वो सिर्फ माता से आया था, माता मरियम से, पापा से नहीं। हम सबको पता है, बाइबल में लिखा गया है, जब मरियम ने गर्भधारण किया, जब प्रभु यीशु मसीह जन्म हुए, तो उसके पहले मरियम ने कोई भी पुरुष को उन्होंने स्पर्श नहीं किया था, कोई भी पुरुष के साथ उनका संबंध नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो क्रोमोसोम था वो क्रोमोसोम था सिर्फ 24, 46 नहीं है। अगर 46 होता तो वो भी एक मामूली इंसान होते, क्योंकि वो परमेश्वर है, इसलिए उनका क्रोमोसोम सिर्फ 24 क्रोमोसोम ही था। अगर प्रभु यीशु मसीह इंसान होते तो उनका क्रोमोसोम भी 46 होता। बाइबल ये साबित करता है, ये सबूत देता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म बिना पुरुष स्पर्श के द्वारा ही हुआ था, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हुआ था। सबको जय मसीह। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।